ये एक सच्ची कहानी पर बनाई गई फिल्म है जिसे देखने के बाद आप भी अपनी किसी भी बुरी लत को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। ये एक 17 साल के जिम की सच्ची कहानी है जो कि इतनी कम उम्र में ही एक बहुत बड़ा नशेड़ी बन चुका था और पैसे के लिए वो चोरी करता है, मर्डर और साथ ही वो खुद की इज्जत भी बेच देता है। पर आखिर वो इन सब से कैसे बाहर निकलता है और एक बहुत बड़ा राइटर बन जाता है। चलिए फिर देखते हैं कि नशे की लत में इंसान की क्या हालत हो जाती है। मूवी का नाम है द बास्केटबॉल डायरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक 16 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम होता है। जिम एक शरारती लड़का था जिस वजह से क्लास में सर उसे कुत्ते की मौत मारते हैं। फिर भी वो अपने सर को कहता है कि हाँ सर, आपको तो मारना भी नहीं आता, अच्छे से मारो ना, अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया है। इस बात पर सर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं अगर तुम चाहते हैं तो इसे हम कल भी शुरू कर सकते हैं। इतने में ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जिम अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर आ जाता है और ये चारों दोस्त एक जैसे ही होते हैं। इतने शरारती कि इसका कोई मुकाबला नहीं था, ना तो इसे किसी का डर था और ना ही कुछ करने से पहले सोचते थे कि अंजाम क्या होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बास्केटबॉल का मैच दिखाया जाता है। दरअसल जिम एक बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर होता है जिस वजह से उसकी टीम आज का मैच जीत जाती है। और मैच के दौरान उसका एक दोस्त लॉकर रूम में जाकर दूसरे टीम की खिलाड़ियों की घड़ी, उनका कीमती सामान और उनके पैसे भी चोरी कर लेता है। मैच खत्म हो जाती है, जीत की खुशी में चारों दोस्त पार्टी करते हैं। तभी उनके सामने दूसरी टीम के खिलाड़ी आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि तुमने हमारा जो कीमती सामान चुराया है उसे तुम वापस कर दो। पर जिम साफ मना कर देता है कि हमने तुम्हारा सामान नहीं चुराया है, जिस वजह से दोनों टीमों में झगड़ा हो जाता है और वो सब एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम अपने एक दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जिसका नाम टॉम होता है। दरअसल टॉम 6 साल का था तब से उसे ब्लड कैंसर होता है जिस वजह से जिम उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। टॉम भी एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल का प्लेयर था पर बीमारी की वजह से टॉम ने खेलना बंद कर दिया था। जिम चाहता था कि टॉम भी जल्दी ठीक हो जाए और उसकी टीम का हिस्सा बन जाए क्योंकि जिम उसे अपने सबसे करीबी दोस्त मानता था। अब जिम टॉम को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है पर टॉम को बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे वापस हॉस्पिटल छोड़कर घर चला जाता है। जिम अपना सारा वक्त अपने तीनों कमीनों दोस्तों के साथ ही गुजारता था और उसके साथ वो बास्केटबॉल और बुक्स भी लिखता था। अब जिम को पता चलता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त टॉम इस दुनिया में नहीं रहा। जिम को उसे देखकर बहुत रोना आता है। टॉम की मौत की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने कमीने दोस्तों के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्त टॉमी के जाने का अफसोस हो रहा था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर सभी नशेड़ी लोग ही रहते थे। जिम वहाँ से एक आदमी से इंजेक्शन खरीदता है और अपने आप को लगा लेता है। अब नशा करने के बाद मानो कि जिम का जैसे ही दुख दर्द सब खत्म हो गया हो। उसे लगता था कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गया है। जब वो घर वापस आता है तो उसकी मॉम ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है पर वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जिम और उसके सभी दोस्तों ने इस नशे को करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से इन चारों की बर्बादी शुरू हो गई थी। नशे की ऐसी लत ने उसे कंगाल करना शुरू कर दिया था। शुरू में वो हफ्ते में एक बार नशा करते थे, फिर दो बार, फिर तीन बार, ऐसे करते करते वो डेली नशा करने लगे। अब वो सब नशे के बिना रह भी नहीं सकते थे इसलिए उन्हें पैसे की ज्यादा जरूरत होने लगी। अब पैसे के लिए उन्होंने लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया। रात को एक बूढ़ी औरत जा रही थी, ये चारों मिलकर उसका पर्स चुरा लेते हैं। उसके बाद जिम का एक दोस्त उसे बहुत बुरी तरह से मारता भी है। अगले दिन ये चारों दोस्त एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर फादर इसे अंदर आने को कहते हैं पर जिम अंदर जाने से साफ मना कर देता है। अब फादर के कहने पर जिम अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे कन्फेस रूम में बिठाया जाता है। दरअसल ये एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर हर कोई फादर के सामने अपने दुख दर्द बयां करता है जो कि वो बात फादर और उस इंसान के बीच में ही रहती है। यहाँ पर जिम फादर को सब बताना चाहता था जो भी वो लाइफ में कर रहा था, अपने दोस्तों के बारे में, अपने नशे के बारे में, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। वो रोज यही सोचता था कि बस आज के दिन ही नशा करूँगा, फिर इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा, पर ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि नशा अब उसकी आदत बन चुकी थी और बिना नशे के वो रह भी नहीं सकता था क्योंकि इंसान को कोई भी आदत लग जाती है तो फिर उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन काम होता है।
एक दिन जिम बास्केटबॉल गेम से पहले स्कूल के बाथरूम में नशा कर रहा था, तभी उसके कोच जिम को ऐसा करते देख लेते हैं। जिम नशे में था, इसलिए उसका कोच भी उसका फायदा उठाना चाहता था, पर जिम समझ जाता है और उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब मैच की शुरुआत होने ही वाली थी, तभी उसके कमीने दोस्त फिर एक बार नशा करने के लिए माल लेकर आ जाते हैं, पर उन चार में से एक दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है। पर ये तीनों तो किसी की भी नहीं सुनने वाले थे और नशे की गोलियां ले लेते हैं। अब गेम स्टार्ट हो जाता है, पर जिम और उनके दोनों दोस्त नशे की वजह से होश में नहीं रहते, जिस वजह से वो बुरी तरह से ये मैच हार जाते हैं। जब ये बात स्कूल के फादर को पता चलती है कि ये सभी नशा करते हैं, तो वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस उसे वार्निंग देकर चली जाती है क्योंकि वो अभी नाबालिग थे। पर फादर उसे एक हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं और बास्केटबॉल के कोच भी उसे टीम से निकाल देते हैं। इस बात से जिम को काफी गुस्सा आता है और वो फादर से कहता है कि आप मुझे स्कूल से क्या निकालोगे, मैं खुद ही स्कूल से निकल जाता हूँ, वैसे भी मुझे ऐसी स्कूल में नहीं रहना। अब जिम के चारों दोस्तों में से एक दोस्त स्कूल में रहता है और बाकी के दो दोस्तों को जिम के साथ निकाल दिया जाता है। जब जिम वापस घर जाता है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, तुमने ऐसा क्या किया था। जिम उसकी माँ को झूठ बोल देता है और कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हम पर नशे का झूठा इल्जाम लगाकर हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे नशे की गोलियां दिखाती है जो कि जिम ने घर पर छुपा रखी थी। जिम की माँ जिम को बहुत डांटती है और जिम को घर से बाहर निकाल देती है। अब जिम भी गुस्सा होकर घर छोड़कर चला जाता है। जिम की मॉम उसकी ट्रॉफी भी नीचे फेंक देती है जो कि जिम ने बास्केटबॉल में जीती थी। गुस्से की वजह से जिम अपनी मॉम को कहता है कि अब मैं कभी वापस घर नहीं आऊंगा। जिम की मॉम कहती है कि जिम प्लीज सुधर जाओ, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। फिर जिम यहाँ से सीधा अपने दोस्त के पास चला जाता है। अब उन सबको नशा करना था पर उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी की चोरी कर ली क्योंकि बिना नशे के वो रह नहीं पा रहे थे। अब नशा उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था, वो उसे रियल दुनिया मानते थे और असल दुनिया से उसे कुछ भी लेना देना नहीं था। दिन पे दिन उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी, इस वजह से उसे पैसों की ज्यादा जरूरत होती थी। अब रात होते ही वो एक स्टोर में घुस जाते हैं क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, पर यहाँ पर उसे पैसे नहीं मिलते लेकिन उसे एक गन मिल जाती है जो कि खाली होती है। फिर भी वो उसे अपने पास रख लेते हैं। जिम का दोस्त अभी भी नशे में था, पता नहीं वो कौन सा नशा करके आया था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जिम उसके दोस्त को होश में लाने की कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों पुलिस से बच जाते हैं। पर उसका दोस्त पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब जिम और उसका दोस्त मिकी एक बार में पहुंच जाते हैं जहां पर टीवी में एक बास्केटबॉल का मैच चल रहा था जो कि आगे जाने के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी, जिस वजह से वो सभी प्लेयर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इस वजह से उन प्लेयरों के मॉम डैड का नाम फक्र से ऊंचा हो गया था। और इस बात से जिम और मिकी काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि यही उसका भी ड्रीम था। अब जिम अपनी मॉम से मिलने जाता है पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मॉम से बात कर सके क्योंकि इतनी गलती कौन करता है, वो भी इतनी उम्र में। फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो नशा किया करता था। वहां पर एक आदमी आता है और वो जिम को बुरी तरह से मारता है क्योंकि जिम ने उसके दोस्त को नशे की गोली दी थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिम उस आदमी को कहता है कि उसमें मेरी गलती क्या थी, ये बात उस आदमी को हजम नहीं होती। फिर वो जिम को मार मार कर सुअर बना देता है और उसे वहीं पर फेंक के चला जाता है। अब जिम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, उसे अब हेलुसिन आने लगे थे। कभी उसे लगता है कि वो बास्केटबॉल का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है तो कभी लगता है कि वो गेम को खराब कर रहा है, लेकिन ये सब उसके ख्वाब ही थे। अब यहाँ पर एक आदमी आता है, वो जिम को अपने साथ अपने घर ले जाता है। दरअसल इस आदमी का नाम रिकी होता है, वो जिम को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वो साथ में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। अब जिम को होश आ जाता है, वो रॉकी के घर से जाना चाहता था। जब वो अपने कोट के जेब में हाथ डालता है तो उसे नशे की गोलियां नहीं मिलती। जिम रॉकी से कहता है कि तुम मेरी दवाई मुझे वापस दे दो। रॉकी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, फिर से अपनी वही दुनिया में चले आओ जहाँ पर तुम थे। जिम गोली को चीनने की कोशिश करता है पर रॉकी उससे टॉयलेट में फ्लश कर देता है जिस वजह से जिम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो इतना कमजोर होता है कि वो अच्छे से खड़ा भी नहीं रह सकता था। जिम रॉकी से कहता है कि तुम्हें मेरी दवाई के पैसे देने पड़ेंगे। रॉकी जिम को आईना दिखाता है और कहता है कि खुद की हालत देखो। रॉकी कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए रॉकी जिम को कमरे में बंद कर देता है और वहीं का पहरा देने बैठ जाता है। नशा ना करने की वजह से जिम की हालत बहुत खराब हो जाती है, पर रॉकी किसी भी हालत में उसे घर से बाहर जाने नहीं देना चाहता था।
अब धीरे धीरे जिम ठीक होने लगता है। एक दिन रॉकी कहता है कि तुम आराम करो, तब तक कि मैं अपना जरूरी काम निपटा कर वापस आ जाता हूँ। अब रॉकी यहाँ से चला जाता है। रॉकी के जाने के बाद जिम खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे सब कुछ याद आने लगता है और फिर एक बार उसकी पूरी दुनिया उसे घूमती नजर आती है। अब वो बिना नशे किए नहीं रह पाता, इसलिए वो पूरे घर में पैसे ढूंढने लगता है, पर उसे घर में कुछ भी नहीं मिलता। फिर जिम यहाँ से भाग जाता है और सीधा एक लड़की के पास जाता है, जिसे वो कभी नशे की गोलियां बेचा करता था। जिम उसे पैसे मांगता है, पर वो लड़की उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि वो भी जिम की तरह नशे में बर्बाद हो चुकी थी। जिम उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे पैसे दो। फाइनली वो लड़की जिम को कुछ पैसे देती है, पर वो वहाँ पर फेंक के चली जाती है। ये देखकर जिम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भला बुरा कहने लगता है। अब जिम उन फेंके हुए पैसों को उठा लेता है, क्योंकि वो ऐसे टेस पर पहुंच चुका था जहां पर इज्जत और रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं थी। जिम नशे की गोली लेने जाता है, पर उतने पैसे में कुछ भी नहीं आने वाला था। अब जिम को कैसे भी करके पैसे चाहिए थे, इसलिए वो एक आदमी के साथ गलत काम करता है, जिससे कि उसे पैसे मिल सके और वो नशे के लिए गोली खरीद सके। अब वो मिक्की से मिलता है। वो दोनों नशा लेने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं और उन्हें पैसे देकर नशा खरीद लेते हैं। पर जैसे ही वो उस नशे का टेस्ट करते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये तो नमक है। वो तुरंत ही उस बंदे के पीछे चले जाते हैं और वो बंदा भागकर एक घर की छत पर चढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे मिकी भी पहुंच जाता है। वो आदमी डर जाता है क्योंकि मिकी के पास गन थी। वो आदमी धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है, जिसकी वजह से वो छत से गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है। जिम जब वहां पर पहुंचता है तो वो मिकी से कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मिकी तुरंत ही नीचे जाकर देखता है, तभी उसे एक गैंग पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। पर वहां पर पुलिस आ जाती है और मिकी को अपने साथ ले जाती है। अब जिम अकेला हो चुका था, इसलिए वो फिर एक बार अपने घर आता है, पर उसकी मॉम उसे साफ मना कर देती है। जिम कहता है कि प्लीज मॉम, मेरी बात सुन लो, बस मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं आपका बेटा हूँ ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। पर जिम की मॉम उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे पैसे दिए तो वो उन पैसों का क्या करेगा। जिम की मॉम जिम को सुधारना चाहती थी, इसलिए वो पुलिस को फोन कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जिम जेल में रहे ताकि उसकी नशे की लत छूट जाए। अब पुलिस आ जाती है और जिम को अपने साथ ले जाती है। जिम अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं सुधर जाऊंगा। पर उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब जिम को 6 महीने की सजा होती है और वो उन 6 महीनों में अपनी डायरी भी पूरी कर लेता है, जो कि मूवी की शुरुआत से वो लिख रहा था। 6 महीने के बाद जिम जेल से बाहर निकल जाता है और सीधा अपने दोस्त से मिलता है, जो कि नशे की हालत में था। वो जिम से कहता है कि जिम मेरे पास कड़क माल है, क्या कहता है तू? पर जिम उसे साफ मना कर देता है। जिम कहता है कि मैंने ये सब छोड़ दिया है, अब दोबारा मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, पर मेरे दोस्त तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर जिम वहाँ से चला जाता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो बैठकर कभी शायरियाँ किया करता था। उसकी शायरी सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको जिम की शायरी सुनना बहुत पसंद था। ये सुनकर सभी उनके लिए तालियां भी बजाते थे। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी पूरी किताब लिखकर पब्लिश कर डाली, जो कि काफी फेमस हुई। उस किताब का नाम था द बास्केटबॉल डायरी, जो कि इस मूवी का नाम भी है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो कि हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। इसलिए अपने आप से प्यार करें, वो ही हमारे लिए खास है, और ऐसी आदतों से दूर रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।